पूरे देश में जो लेबर लॉ है उस सरकार ने लेबर लॉ को बदल दिया है। जो लेबर लॉ 44 सेक्शन में था उसको समेट करके 4 जगह में रख दिया। आज जो रसोईया है, जो आंगनबाड़ी है, जो आशा है, जो दूसरा स्कीम वर्कर है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। और उसके खिलाफ में पूरे देश का मजदूर वर्ग जो बैंक में काम करता है, जो LIC में काम करता है, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, जो ऑटो चलाता है, 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया है। और ये हड़ताल मोदी सरकार के खिलाफ में, मोदी सरकार के यहाँ न्यूनतम मजदूरी के लिए जो सबसे कम मजदूरी सरकार ने घोषणा किया है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ रसोईया के मरने के बाद 4 लाख रुपया बिहार सरकार को देना पड़ता है। वो अपनी लड़ाई के बल पर में हम लोगों ने हासिल किया। पूरे देश में दूसरे किसी राज्य में यह पैसा नहीं मिलता है। और आज हम रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, रसोईया को सरकार जो छुट्टी दूसरे कर्मचारी को देती है उसके हिसाब से सरकार हमको छुट्टी दे, हमारे साथ भी लोग हैं। और इस तरीका से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मजदूर के विरोध में जो कानून भारत की सरकार बना रही है उस कानून के खिलाफ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में किसान मजदूरों के बेटा को नौकरी देश में नहीं मिलना है। रेल को बेच रहा है, बैंक को बेच रहा है, LIC को बेच रहा है। आखिर जो बेरोजगार नौजवान पढ़ने के बाद बेरोजगार होगा उसको रोजगार कहाँ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तमाम चीजों को इस देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके हाथ में बेचकर और आम किसान मजदूर नौजवान को बेसहारा बना रहा है।